नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है आपका माइंड गेम के इस एपिसोड में। इस एपिसोड में मैं आपके लिए एक साइंस की ट्रिक लेके आया हूँ। बहुत अच्छी ट्रिक है, बहुत आसान ट्रिक है। तो चलिए सबसे पहले इस ट्रिक को हम देख लेते हैं, उसके बाद इस ट्रिक को हम सीखेंगे। तो दोस्तों, इस मैजिक ट्रिक को करने के लिए मैंने यहाँ पर ये खाली ग्लास लिया है और यहाँ पर लिया है मैंने थोड़ा सा नमक। ये देखिए, ये रेगुलर सॉल्ट है, जो सॉल्ट हम खाने में यूज़ करते हैं। और इस नमक को अब मैं इस ग्लास में डालूंगा। ये देखिए, ये जो नमक है इसको मैंने इस ग्लास में डाल दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो नमक है मैंने इस नमक को इस ग्लास में डाल दिया है। दोस्तों, अब करते हैं अपना मैजिक स्टार्ट। तो इस मैजिक को करने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक ग्लास पानी, और इस पानी को हम इस नमक में डालेंगे। और अब मैं मैजिक के द्वारा इस पानी को जमा दूंगा। ध्यान से देखिए, इस पानी में बर्फ जमने वाली है। ये बर्फ की तरह अभी जमने वाला है। ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 सेकंड हुए हैं। ये देखिए दोस्तों, ये जमने लगा है। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये बर्फ बनके हमारी तैयार हो गई। यहां पर इस पानी की यहाँ पर बर्फ बनके हमारी तैयार हो गई है, आप देख सकते हैं। थोड़ा क्लोजअप देता हूं। ये देखिए, ये वही पानी है जिसको मैंने नमक डाल के जमा दिया है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये एकदम हार्ड हो गया है और जम गया है। तो दोस्तों, ये देखिए, ये बर्फ़ बनके तैयार हो गई है। एकदम बर्फ मैंने फटाफट, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लगाया है इस बर्फ़ को जमाने में, और नमक को पानी में डालकर मैंने ये बर्फ़ तैयार कर दी है। तो इसको एक बार चम्मच से भी निकाल के देख लेते हैं। देखिए, ये एकदम स्नो हमारी बनके तैयार हो गई है। यहाँ पर मैंने आपके सामने ये पानी में नमक को डाला था और ये हमारी स्नो बनके यहाँ पे रेडी हो गई है। देखिए तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये साइंस की मैजिक ट्रिक? दोस्तों, बहुत आसान सी मैजिक ट्रिक है। इस मैजिक ट्रिक को चलिए अब हम जल्दी से सीख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरे हाथ में एक ये कंपोनेंट है, ये सोडियम पॉलीक्रिलेट है। केमिस्ट्री प्रोजेक्ट के लिए जो केमिकल की शॉप्स होती है, ये वहां पर मिलता है। ये बच्चों के साइंस प्रोजेक्ट के लिए यूज होता है। नमक की तरह दिखता है, जैसे कि नमक होता है जो हम घर में रेगुलर नमक यूज करते हैं, आयोडीन नमक यूज करते हैं, उसी तरीके का दानेदार कंपोनेंट होता है और ये साइंस प्रोजेक्ट में यूज किया जाता है। इसकी खास बात क्या होती है कि जब इसको हम पानी में डालते हैं तो ये अपने साइज का 100 times, जी हाँ 100 times, यानी 100 गुना हो जाता है। तो यानी अगर आप इसको एक दाना आप इसका यूज करेंगे तो ये 100 times तक पानी में मिलने के बाद में बढ़ जाता है। साइंस लैब में यूज होने वाला एक ये केमिकल है, और छोटे बच्चे जो होते हैं, जो 7, 8, 9, 10 में बच्चे होते हैं, उनको दिखाने के लिए इस केमिकल का यूज किया जा सकता है। और ये घर में भी आप आसानी से मंगा सकते हैं, इसके लिए किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं है। ये नुकसान नहीं करता है, हाथ में आप इसको डायरेक्ट पकड़ सकते हैं, सूखा पकड़ सकते हैं, गीला भी पकड़ सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। तो दोस्तों, आप जब ये ट्रिक किसी को दिखाएंगे तो इसको आप नमक का नाम देंगे, नमक बोल के आप इसको पानी में मिलाएंगे, थोड़ा सा मैजिक करेंगे, और आप देखते ही देखते 20 से 30 सेकंड में ये बर्फ जो होती है हमारी, स्नो होती है, स्नो की तरह ये जम जाएगा। पानी हमारा एकदम जमा हुआ दिखेगा, गायब हो जाएगा, और ऐसा लगेगा कि वहां पर आइस जम गई है। आप ग्लास को उल्टा करके भी दिखाएंगे जैसे मैंने दिखाएगा, तो पूरा ये जमा हुआ होता है, एकदम जम जाता है और बहुत जल्दी फूल जाता है ये। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरी ये साइंस की जो ट्रिक है ये अच्छी लगी होगी। एक बार इसको जरूर ट्राई करें। अगर आप इस केमिकल को मंगाना चाहते हैं तो मैंने इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है, वहां से आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जुड़े रहें मेरे साथ में, देखते रहें इस तरीके की टिप्स एंड ट्रिक्स, छोटी छोटी मैजिक की ट्रिक्स। मिलते हैं जल्द ही नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।